नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा केवल चुनावों के परिणामों पर, यहां पर अगर हम देखें तो सबको खुशी मिली है। खुशी कैसे मिली है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और इसके साथ ही साथ गुजरात में बीजेपी ने पुरानी परंपरा को यहाँ पर लगातार जारी रखा है और आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में जीत कराई और उसके अलावा गुजरात में भी उसने अपना खाता खोल लिया। यानी 5 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया है कि अगर बेहतर संगठन बेहतर रणनीति रहेगी तो आप किसी भी राज्य में अपने आप को साबित कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण उपचुनाव थे। एक था आपका मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव और रामपुर और खतौली का विधानसभा का उपचुनाव। यहाँ भी व्यवस्था मिलीजुली रही और यहाँ पर तीनों दलों को यहाँ पर खुशी का मनाने का मौका मिला। खुशी कैसे? मैनपुरी में डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। जैसा माना जा रहा था कि मैनपुरी में डिंपल यादव जीत जाएंगी क्योंकि मुलायम सिंह यादव की एक परंपरागत सीट थी और वहाँ पर शायद सपा उम्मीदवार को हराना इतना आसान नहीं हो, वैसा हुआ भी यहाँ पर जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा रामपुर और खतौली, रामपुर में यहाँ पर एक अलग व्यवस्था दिखाते हुए, जैसा कि रामपुर के लोकसभा चुनाव में हुआ था जहाँ पर घनश्याम नारोडी जीत कराए, तो यहाँ पर भी वही परिवर्तन हुआ। यहाँ पर आसिम रजा को आकाश हनी सक्सेना ने हरा दिया। इसके अलावा खतौली, ये नुकसान जरूर बीजेपी को हुआ क्योंकि 2022 के चुनाव में यहाँ पर विक्रम सैनी जीत कराए थे और इस बार विक्रम सैनी की सरसरा रद्द होने के बाद जब सीट रिक्त हुई थी तो वहाँ पर उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी लड़ी थी, जो कि इस बार चुनाव हार गई हैं और सपा रालोट के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया ने उनको हरा दिया है। इस जीत के मायने क्या? जीत के मायने ये कि 6 महीने पहले चुनाव हुए खतौली में और वहाँ पर विधानसभा चुनाव के चलते वहाँ पर विक्रम सैनी जीत गए थे और 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर राजकुमारी सैनी यानी भाजपा का उम्मीदवार हार गया। रामपुर में जो कि परंपरागत सीट थी, अब परंपरागत गई, पहले उस सुबह उपचुनाव में हारे, इसके बाद यहाँ पर रामपुर में आसिर मजा हार गए, जो कि आजम खां के सदस्यता रद्द होने के बाद सीट रिक्त हुई थी, वहाँ पर चुनाव लड़ा गया और वहाँ पर उनकी हार बताती है कि क्या रामपुर से आजम खां का ये जो वर्चस्व बोला जाता था, ये बोलबाला था और कहा जाता था कि ये सीट आजम खां कहीं भी रहें जीत सकते हैं, निश्चित जेल में थे, निरुद्ध थे और जीत के आए। पर यहाँ पर परिवर्तन हुआ और यहाँ पर मैनपुरी में वही व्यवस्था कायम रही जो अब तक हम देख रहे हैं। फिर आप कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी मुझे ये भी पता चला है कि रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी थी, इससे क्लियर हो जाता है, बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाती है, सारी तस्वीर नुमाया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की कुश्ती है। और उससे भी बड़ी बात अभी हमने सुनने में आई है कि प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है और प्रसपा की गाड़ी पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का भी परचम लगा दिया गया है। इससे एक और तस्वीर सामने उभर करके आई है कि 2024 के लिए ये ऊपर से आदेश हो गए हैं कि तुम मिल करके वोटरों को भ्रमित करो ताकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत 2024 में केंद्र में फिर बन जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि ये तीनों उपचुनाव 2024 के जनरल चुनाव का संकेत होंगे जी, और जो रुझान आ रहे हैं, जो अभी तक परिणाम दिखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि 2024 का संदेश जनता ने दे दिया। ये जनता की जीत है, लोकशाही की जीत है, भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का जो गुरूर है, वहाँ के मतदाताओं ने चूर किया है, इसलिए है लगी है लोकतंत्र की जो ताकत है दबाव नहीं, वो बड़ी ताकत है। हमें समाजवादी पार्टी को और संघर्ष करके 2024 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे। ये मैनपुरी के इस परिणाम का संदेश है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी थे। यहाँ पर सपा रालोट के प्रवक्ता अभी 2 दिन पहले ही बोल रहे थे कि भाई वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है, वहाँ रोका गया, लाठी चार्ज हुआ, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया। पर जब लाठी चार्ज हुआ, घर से निकलने नहीं दिया गया और इतनी ज्यादती हुई, तो फिर मैनपुरी में कैसे जीत गए?
खतौली में कैसे जीत गए, तमाम तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही थी। कल भी मैंने डिबेट में किया था तो वहाँ पर भी रालोद के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे थे कि जितनी तानाशाही इस बार शासन ने दिखाई है उसके कारण यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है कि हो जाए और बीजेपी आज जीत जाए, पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत के आई है मैनपुरी से और खतौली से रालोद और सपा का संयुक्त प्रत्याशी। कहाँ रस्सी गई और कहाँ आरोप प्रत्यारोप गए और कहाँ तानाशाही गई। खैर लोकतंत्र का महापर्व है और फिलहाल इसके परिणाम आ चुके हैं, आपको यहाँ के मेहमानों से रूबरू करा दूँ। हमारे साथ नेता भाजपा से सवाल भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में प्रदीप सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी भाई हमारी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई नेता सपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पवन श्रीवास्तव भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला सवाल रहेगा सवाल भाई से। सवाल भाई, भाई यहाँ पर तो अब गुजरात में तो जीत गए, हिमाचल चला गया आपके हाथ से, अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहाँ पर गई थी प्रचार करके आई हैं, इसका लाभ मिल गया, और मैनपुरी में बड़े बड़े दावे कर रहे थे आपकी परिवर्तन हो रहा है और वहाँ पर सरकार जो है अपना मैनपुरी जीत कर दिखाएगी, और बड़ी मेहनत की गई, संघर्ष किया गया, खतौली भी आपके हाथ से निकल गया, छः महीने में ऐसा क्या हो गया कि राजकुमारी सैनी हार गई, पहले पति उनके विधायक थे और छः महीने बाद यानी छः आठ महीने बाद मार्च में परिणाम आया था, उसके बाद यहाँ पर ऐसा आठ महीने में क्या हो गया कि खतौली सीट आपके हाथ से निकल गई, कैसे देखते हैं मैनेजर परिणामों को? करो जी, मैं आपके माध्यम से और अपने सभी चैनल पर बैठे अपने भाइयों को नमस्कार करता हूं जी। और देखिए ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं जी, और इससे ये साबित होता है जी कि आपने देखा चुनाव से पहले जो लोग बता रहे थे जी कि निर्वाचन आयोग जो है मंत्रालय की तरह काम कर रहा है, अच्छा, और जो है पुलिस जो है गुंडागर्दी कर रही है ना, ये और कुछ आरोप लगा रहे थे कि मशीनों वाला मामला की मशीनें भी बदल दी जाएंगी, इन सब को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया, अच्छा। और निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव करा करके ये साबित कर दिया कि जो ये लोग विपक्षी आरोप लगा रहे थे, ठीक है, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो होती है, हर पार्टी हर लोग अपना दावा करते हैं कि हम जीत के आएंगे, जैसे मैंने भी कहा था कि मैनपुरी में सपा की जमानत जब्त हो रही है, लेकिन आप देखिए कि सपा की मैं इसको कहूंगा जो समाजवादी पार्टी जीती है, हाँ। बीजेपी भी वहां पर 3,29,659 वोट पाई है, अच्छा। और जो है समाजवादी पार्टी को 6,18,120 वोट मिला, तो इतना वोट पाने के बाद जी आप ये कह सकते हैं जो आरोप लगाया जा रहा था कि रामपुर में, मैं तो कहूंगा कि मैनपुरी में गुंडागर्दी हुई है, अच्छा, क्योंकि सारा पूरी पार्टी मैनपुरी में लगी हुई थी, आरोप उल्टे हो गए, आरोप उल्टे हो गए, बिल्कुल होना नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये साबित कर रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग कह रहे थे कि निर्वाचन आयोग जो है वो एक सरकार की तरह काम कर रहा है, अच्छा। है ना, मंत्रालय की तरह काम कर रहा है, उनके लिए ये सबक है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है इस गुंडागर्दी और इस चीज पर विश्वास नहीं रखती है, निष्पक्ष चुनाव कराती है एजेंसियों को जी। जी विवेक पांडे भाई आपकी बात पे हंस रहे हैं यहाँ पर, नहीं नहीं हंसना चाहिए क्योंकि ये इनको हंसने का समय है, क्योंकि ये इनका अभी जनाधार है नहीं, अच्छा। इनको अभी पता चलेगा कि ये तो ये उपचुनाव है, इसमें कोई ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये सारी परिणाम आपके सामने आ गए, थोड़ा परिणाम आपके विपक्ष में आए हैं हिमाचल में और यहाँ पर विपक्ष में नहीं आए, देखिए विपक्ष में नहीं आए, अच्छा। देखिए रामपुर जो आपका मैनपुरी का जो चुनाव है, हाँ। वो आप देख लीजिए कि पूरी पार्टी वहां पर लगी थी, किस तरह से गुंडागर्दी की है वहां पर, अभी हम बराबर पे रहे खतौली जी, अच्छा। आप देख लीजिए ना 3,29,617 वोट हमारी पार्टी को मिला, अच्छा। और रामपुर की जो रामपुर का जो चुनाव है, हाँ। वो आप देखिए कितना बढ़िया चुनाव था, और इसको कहेंगे निष्पक्ष चुनाव होना, अच्छा। कि आजम खान बाबर का वर्चस्व वहां से खत्म हो चुका है, खतौली निष्पक्ष नहीं हुआ क्या? वहां के मुसलमानों ने ये साबित कर दिया, खतौली में निष्पक्ष नहीं हुआ क्या? खतौली में क्या चीज, खतौली में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ क्या? नहीं, चुनाव निष्पक्ष हुआ है, आप देखिए ना उसके परिणाम, जो ये लोग चुनाव दे भाई ऐसा मत बोलिए, आपकी सरकार है, अगर आप निष्पक्ष नहीं बोले तो आपकी सरकार पे क्वेश्चन उठेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और जब भारतीय जनता पार्टी ने और इस चुनाव ने साबित कर दिया कि जो ये लोग चुनाव से पहले आरोप लगा रहे थे वो निराधार थे, उनका कोई आधार नहीं था, अच्छा। जो है निर्वाचन आयोग जो है मंत्रालय की तरह काम कर रहा है, पुलिस जो है गुंडागर्दी कर रही है, गुंडागर्दी करती गौरव भाई, तो ये सीटें सभी जीत के आते हैं, मैं रामपुर की बात कर रहा हूँ, अच्छा। जहाँ पर इनके दिग्गज थे आजम खान बाबर साहब, देखिए वहाँ के मुसलमानों ने उनको नकार दिया, हाँ। और हम रामपुर की आजम खान बाबर पे आ गए लिए और हमारे कार्यकर्ता, देखिए ये सजा याफ्ता मुल्जिम है और ये बाबर के वंशज है, अच्छा, इसलिए मुल्जिम है,
अच्छा सजायाफ्ता मुल्जिम है ये। अच्छा ठीक है, और बाबर के वंशज हैं क्योंकि ये बताते हैं कि मुगलों की मुसलमानों की हुकूमत जो है 800 साल रही भारत के अंदर, ये अपने आप को मुगलों से जोड़ते हैं। अच्छा, हिमाचल बोल लीजिए, हिमाचल बोल लीजिए, कांग्रेस वहां पर आ गई है। देखिये चुनाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पंजाब है तो एक वहां पर बड़े लोग लगे हुए थे, हार गए वहां पर, यहाँ से मुख्यमंत्री भी गए थे, वहां से प्रधानमंत्री भी गए, बड़ी मेहनत हुई भाई जी। देखिए जाने का मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ मशीन बदलने गए थे, जो ये लोग आरोप लगाते हैं, कहते अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, जनता के सामने उपलब्धियां रखने गए थे, उन्होंने रखी, जनता ने हरा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। विवेक भाई, भाई आप लोग क्यों आरोप लगा रहे थे भाई, आपको सीटी मिल गई है, दो जगह आप जीत गए हैं, उसके बाद भी आरोप लगा रहे थे कि चुनाव बीजेपी नहीं प्रशासन लड़ रहा है, क्या दिक्कत है भाई? अब परिणाम पर कोई नहीं बोल रहा है, परिणामों पर कि जो है प्रशासन गड़बड़ था। देखिए गौरव भाई, पहले तो पूरे मंच को समझाए प्रणाम करते हुए अनुमोदन पूर्वक अपनी बात रखूंगा जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज भाजपा चुनाव आयोग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरह से कर रही है। अच्छा, भाजपा के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, वो चुनाव आयोग की डिफेंडिंग क्यों कर रहे हैं भाई? इनको तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए था जी। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए मैं इनकी बात मान भी लेता हूँ, तो फिर वही प्रकरण यूपी 84AK9514 एक गाड़ी में मैनपुरी में रात को अगर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम नहीं पकड़ी होती तो शायद कुछ हो सकता था, संदेहास्पद है, लेकिन चलिए अच्छा। फिलहाल तो हम जीते हैं। अच्छा, बात करते हैं रामपुर की। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी गौरव भाई उसी श्रेणी में थे जी। आपको पता है कि जब 6000 वोटों से हमारा प्रत्याशी आगे चल रहा था, अचानक 6-7 घंटे के लिए वोटिंग की अपडेट देना मीडिया को आप लोग क्वेश्चन क्यों उठा रहे लगते हैं? प्रत्याशी आगे चल रहा था भाई, काउंटिंग पूरी हुई, हार गए। क्वेश्चन नहीं उठा रहा। अच्छा, मैं तो अब आपको बताने आ रहा हूँ। अच्छा, चीजें रखने जा रहा हूँ, मेरी भी बात आ जाए जी। बोलिए, मेरा कहना है कि क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी जीत की या हार की बात ना करते हुए केवल और केवल इलेक्शन कमीशन को डिफेंस करने की कोशिश की। अच्छा, दूसरी बात, हम तो इसके लिए भी बधाई पात्र हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के गढ़ में लड़ते हुए हमने तो गुजरात में भी एक सीट अपनी जीती है जी। और उससे बड़ी बात है जी, जो नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व चुनाव में सारे राजनीतिक विपक्ष दलों को दिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम का, ओल्ड पेंशन स्कीम का नारा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा एजेंडा बनने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक जड़ी है, जमीन जो है युवकों के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारों को अच्छा, सही दिशा में लाने के लिए या अच्छा, रिटायर होने वाले लोगों को लाभान्वित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम पुनः जोर शोर से पूरे प्रदेश पूरे विपक्षियों को एक साथ लेकर के देने जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, इनके तो नेता ने स्वीकार किया है कि जो हिमाचल में इनकी हार हुई है ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा जड़ी मुद्दा बना। अच्छा, हाँ, गुजरात की मैं मान सकता हूँ, गुजरात में तो भाई देश के सबसे बड़े भगोड़े जो है उनमें लगभग 36 कारों वाली गुजराती है। अच्छा, तो वहां पे पेंशन की बात ही क्यों करेंगे, वहां तो बैंक में एनपीए लुटवाने पे लगे हैं ये लोग। अच्छा, वहां पे तो जड़ी जमीन को समाप्त करने पे लगे आम जनमानस के। अच्छा, तो भाई भाजपा बधाई की बात है, जिस तरह हमने क्षेत्रीय क्षेत्रीय दल होते हुए अपने घर को सुरक्षित रखा। अच्छा, मोदी जी ने कुछ भगोड़े व्यापारियों के चंदों की सहायता से अपने गुजरात को बचा लिया, तो कौन सा काम कर दिया मोरवी के व्यापारी जो बचा लिया, समझ में नहीं आ रहा है, बताए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ मोरवी के भाई, जल्दी बताइए किस व्यापारी ने बचा लिया, बात हो जाए, भगोड़े व्यापारी ने कैसे बचा लिया गुजरात भाई? अरे भाई मोटे चंडे आते हैं, मैं तो कह रहा हूँ हम अपने साल भर के इनसे कहिए, इनसे कह दीजिए ये अपने साल भर के चंदों का रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दे, किसने कितना दिया। अच्छा भाई, भगौड़े तो जाकर के अंतरराष्ट्रीय मंचों पे प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये तो सोचने वाला विषय है ना, देश का भगौड़ा अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने झंडा थाम लिया है सपा का भाई, यहाँ पर अभी देखिए चाचा जी, जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, चाचा जी का जब भी मैंने पक्ष रखा मैंने कहा वो पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय। अच्छा, अब तो समस्या भाजपा के लिए है ना, भाजपा के कहने पे जैसा कि भाजपा चाह रही थी बार बार प्रश्न उठा दी थी, आज चाचा जी का सम्मान सबसे ज्यादा है, बसपा का विलय भी हो गया। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात और सवाल ये है कि चाचा के पीछे अब जिस तरह से भाजपा वाले पड़े हैं, इनका चरित्र क्या कहता है? अच्छा, अभी तक चाचा जी के ऊपर ना कोई ईडी, ना कोई सीबीआई, ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई जांच, लेकिन आज सुन लीजिए मेरी बात, आ आप क्या रहेंगे? लेकिन आज आज तरीके से चाचा जी को दूध से मक्खी की तरह समाजवादी पार्टी के साथ देख रहे हैं भाजपा के लोग, आप यकीन मानिए हताशा चेहरे पे छलक रही है। अच्छा,
अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले आज अपनी जमीन नहीं तलाश पा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और उससे बड़ी बात, हम तो धन्यवाद देते हैं भाजपा को जी कि अगर हम कहीं भटक गए थे आपने राह दिखा दी, देखिए आज ठीक है हमारे ठीक है बाकी मेहमान भी ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के प्रदीप भाई बधाई हो आपको, हिमाचल में बदलाव और आपको वहां पर सरकार बनाने का मौका मिला। प्रदीप भाई कैसे देखते हैं गुजरात चुनाव के, क्योंकि गुजरात चुनाव में आपका बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पर थे उससे काफी नीचे चले गए हैं आम आदमी पार्टी वहां पर और बीजेपी जो कि 100 के लगभग सीटों पर थी 157 सीट पहुंच गई, आपका सबसे बड़ा नुकसान। यानी आप अगर आपके और बीजेपी की चुनाव देखा जाता तो वहां पर तो स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। हाँ यहाँ पे हिमाचल में जरूर आपने बदलाव किया है और साथ साथ उपचुनाव में चूंकि आप लड़े नहीं थे तो उसकी बात करना बेमानी है, पर हिमाचल की जीत को कैसे देखते हैं और उपचुनाव में जिस तरह परिणाम आया उसको कैसे देखते हैं? गौरव भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी उनके सारे नेता बार बार पूरे देश में घूम घूम के मोदी मैजिक करते रहते थे जी। स्थिति ये हो गई मोदी मैजिक जहाँ सिकुड़ते गुजरात में आके सिमट गया। अच्छा। और गुजरात में आके इस गुजरात में भी इमोशनल कार्ड के साथ सिमट गया। अच्छा। मैं गुजरात का बेटा हूँ और इस तरह के कार्डों के साथ आके गुजरात में सिमट गए। हिमाचल में हारते हैं, दिल्ली में एनसीडी हारते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, यहाँ भी उपचुनाव होते हैं और उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए तमाम बातें कर रहे थे। आप देखिए मैनपुरी हो चाहे रामपुर हो चाहे खतौली हो, आप तीनों सीटों पर आप देख लीजिए मैनपुरी की स्थिति क्या है। मैनपुरी में लगातार लोगों के घरों में घुसकर लाठियां चलाई गई हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ताका के ब्लॉक प्रमुख बीरपाल यादव थे, एक दिन में दो जहां 151 में गिरफ्तारी होती है, 5-5 लाख रुपए जमानत देने के बाद भी उनकी रिहाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रामपुर के अंदर लोगों को घरों से बाहर निकलने की हैसियत नहीं थी, लगातार एक एक गली पे 20-20 सिपाही लगे थे। अच्छा। आधार कार्ड दिखाने पर लाठियां चल रही थी। अच्छा। आप बता रहे हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अपहरण हो रहा था। अच्छा। उसके बावजूद भी जनता ने बताया कि आप लोकतंत्र का अपहरण करते रहिए, हम सड़कों पे उतरेंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। आज लोकतंत्र बचा है, इस देश का गौरव, इस देश के लिए गौरव की बात है। आप हिमाचल की जब बात कर रहे हैं, हिमाचल के सेब किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? बस अभी भगोड़े अपराधियों भगोड़े व्यापारियों की बात हो रही थी, इन्हीं व्यापारियों द्वारा पूरी का पूरा टेक ओवर कर लिया गया था पूरा सेब के किसानों को, उन सेब के किसानों ने और वहां के आम बेरोजगार नौजवानों ने कांग्रेस की संघर्षों को देखा और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपके सामने है। गुजरात की भी बात कर रहे हैं, गुजरात में डरा सहमा लोकतंत्र है। अच्छा। गुजरात की स्थिति यह है कि जहां पे वहां पे आप वोटिंग मशीन की भी बात होती है, वहां पर भी क्षेत्र चिन्हित हो जाते हैं कहां से कितने वोट मिल रहे हैं। अच्छा। गुजरात की स्थिति यह है कि अगर एक मोहल्ले में ये फला 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 एरिया यहां के लोग वोट कर रहे हैं और एक एरिया के लोग वोट नहीं कर, वहां पर विकास नहीं हो रहा है, खड़ंजे जा रहे हैं उनके कॉलोनी में वो हिस्सा उस हिस्से का विकास नहीं होता। अच्छा। उस हिस्से को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती, ये सच्चाई है वहां की। अच्छा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। आप बता दीजिए कौन सी विधानसभा भी मोदी मैजिक चल रहा था, चाहे मध्य प्रदेश की बात रही हो, चाहे महाराष्ट्र की बात रही हो, आपने लोकतंत्र का अपहरण किया, चाहे गोवा की बात रही हो, आपने लोकतंत्र का अपहरण किया है। मोदी मैजिक लगातार खारिज करता किया जा चुका है भारतीय भारत की जनता की तरफ से। निश्चित तौर पर आने वाले एक सवाल मेरा रहेगा, पर यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव हुए मार्च में, वहां पर 4 राज्यों में बीजेपी आई, उसको कैसे देखते हैं? बताइए तो आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में आपने लोकतंत्र का अपहरण होते हुए देखा या नहीं देखा? आपने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का अपहरण होते हुए देखा कि नहीं देखा? इससे पहले आपने गोवा में लोकतंत्र का अपहरण होते हुए देखा या नहीं देखा? आप बताइए ना, उत्तरांचल में तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था। आप लगातार आप ये देख रहे हैं, आप पूरी तरीके से इनके जब से मोदी मैजिक इस देश में चल रहा है, केवल और एक शैली चल रही है, लोकतंत्र का अपहरण एन किरण प्रकरण मोदी तो इनके हमेशा तो जो रणनीतिकार है कहते हैं। आज भी धूमल जी का बयान शायद आपके चैनल पे भी चल रहा होगा कि वो कह रहे हैं जहां जीतते हैं वहां तो सरकार बनाते ही है, जहां हारते हैं वहां निश्चित सरकार बनाते हैं, ये धूमल का बयान है। अच्छा। आप तमाम चैनलों पे चल रहा हो सकता है आपके भी चैनल पे चल रहा होगा ये बयान, आज परिणाम आया और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहे हैं। अच्छा। तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते वो लोग, ये लोग हम तो ये कहते हैं इनकी नीति है लोकतंत्र। आपका कहना क्या है, खरीद के सरकार बना लेते? खरीद के नहीं, डकैती डाल के, खरीद और नहीं करते, डकैती डालते हैं, डराते हैं विधायकों को, डराते हैं। और इतना ही नहीं करते आप, यही हम बता तो रहे हैं, आपने तो कवर किया उत्तर प्रदेश, आप बताइए मैनपुरी में क्या घटनाएं घट रही थी, आप बताइए रामपुर में क्या घटनाएं घट रही थी। आप लोगों के घरों में पुलिस घुस रही थी पोलिंग वाले दिन, आधार कार्ड और वोटिंग
कार्ड ले जाते समय भी पुलिस डंडों से मार के उन्हें घरों भेज रही थी जी, ये सच्चाई नहीं है क्या? जनप्रतिनिधि वहां जा रहे थे, उनकी गाड़ियां यहीं से कई वकील मैनपुरी पहुंचे हैं, रास्ते में गाड़ियां सीज कर दी गई हैं जी। और इतना ही नहीं हो रहा, वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो मान लीजिए लखनऊ में पहले उनकी पोस्टिंग रही, वो हमारे परिचित निकले हैं, तो उन वकील भाइयों के उनका मित्र यहां से चले जाइए, पूरी तरह आदेश है कि एक भी गाड़ी अगर यहां दिखाई पड़ जाए सीज कर दो। अच्छा, और खादी पहने हुआ व्यक्ति अगर दिखाई पड़ जाए तो लाठियों से मार के उसे बंद कर दो। ये बयान थे अधिकारियों के, और वो अपना दर्द बता रहे, कह रहे मेरे ऊपर ऊपर से आदेश है मेरे ऊपर जी। ठीक है, तो ये परिस्थितियां हैं, तो हम एक बार फिर कहते हैं भारत की महान जनता को सलूट है कि आप लोकतंत्र के बचाव को बचाने के लिए आप आगे आए हैं, और इसी तरीके से लोकतंत्र का अपहरण करने वाली राजनीतिक दल को आप सिमटते चले जाइए आने वाले समय में। और ये तो कह ही रहे हैं 2024 का ये शो था, 2024 का जनादेश सामने खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक, तकी भाई हमारी पार्टी के फ्रंटमैन प्रवक्ता, भाई कैसे देखते हैं परिणामों को? भाई वहाँ पर सरकार बनाने जा गुजरात में बदलाव करने जा रहे थे, बदलाव तो हुआ नहीं, खैर दहाई का आंकड़ा भी नहीं पहुँच पाए, खैर पर वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ये आपके लिए जरूर एक सुखद एहसास है, और इतनी दूर जाकर वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराना निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सरकार बनाना इतना आसान नहीं, जैसा कि प्रदीप भाई भी बताए हैं कि गुजरात में कैसी व्यवस्था है। ठीक है, पर तकी भाई किस तरह यहाँ पर जो लोकसभा को चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, कैसे परिणाम रहे, और हिमाचल प्रदेश में और गुजरात के परिणामों पर क्या कहेंगे? जब से आप पिछले 6-7 महीने से लगातार देख रहे हैं, जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर कदम निकाला है और स्टेट्स में चुनाव लड़ा है और लड़ने की घोषणा की है, पंजाब में जीत दर्ज कराई, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा गई है। उसका परिणाम यह है कि आम आदमी पार्टी को रोकने का भारतीय जनता पार्टी ने हर भरसक प्रयास किया, हमारे मंत्रियों के ऊपर जो बहुत अच्छे मंत्री थे, ईमानदार मंत्री थे, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए और कहा शराब नीति को घोटाला ही नहीं है, गलत बयानी की एक प्रस्पेक्टिव बनाया, एक इम्प्रेशन बनाया, उस नैरेटिव को सेट किया कि ये बीजेपी वाले लगातार कहते रहे कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने को कट्टर राजभक्त पार्टी बताती, ईमानदारी पार्टी समझ नहीं, कट्टर ईमानदारी पार्टी बनाती, बताता हूँ भी आपको, तो कट्टर ईमानदारी पार्टी साबित करने में लगी हुई थी, और आम आदमी पार्टी यूएसपी है कि ईमानदार है, उसको लगातार बीजेपी ने हर्ट किया, अब लगातार उसके पीछे पड़े रहे, और किस लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया, सीबीआई का, सीआईडी का, ईडी का, समझ में मुझे हार जाते तो ये बात क्यों होती है? एमसीडी में जीत क्या है, वहां पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? अरे भाई मैं बात तो पूरी कर लूँ अपनी, एमसीडी में जीत गए हैं वो, एमसीडी में हमने बीजेपी को हराया, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी आज 10 साल पुरानी पार्टी है, एक 10 साल पुरानी पार्टी ने 15 साल से जो एमसीडी में बीजेपी थी उसको हरा दिया है, एक 10 साल पुरानी पार्टी ने 27 साल पुरानी पार्टी को नाको चने जवाब दिए हैं। अच्छा। आपने देखा आम आदमी पार्टी ने जो गुजरात में इलेक्शन लड़ा तो वहां लग रहा था बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। अच्छा। और बीजेपी की वहां पूरी टीम, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब वहां पूरा टेक ओवर कर लिया था अमित शाह ने अपने अंडर, और जहां जहां उनको लग रहा था कि वहां से आम आदमी पार्टी जीत रही है वहां कैंडिडेट को डराने का धमकाने काम किया। आपने देखा सूरत में कैसे हमारे कैंडिडेट को इन्होंने जो किडनैप कर लिया था, उनको पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी तमंचे पे लोकतंत्र चला रही है, तमंचे पे डेमोक्रेसी चला रही है। अच्छा। और ये आपने देखा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, ग्राम निकाय में चुनाव हुए थे, पंचायत में चुनाव हुए थे, तो किस तरह से लोगों को घरों से उठाया गया, उनको निकलने नहीं दिया, उनको नॉमिनेशन नहीं फाइल नहीं कर दिया, उनको डराया धमकाया, हर संस्था का भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच नाचा है और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी जो एक निडर पार्टी है, जो बीजेपी से बिल्कुल नहीं डरती, सरगंडों से नहीं घबराती, उसने बीजेपी और को, पार्टी डरती है क्या? उसको बीजेपी को, उसी को बीजेपी को, बीजेपी गढ़ में, अच्छा। जो एमसीडी बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, 15 साल से इनकी सरकार थी, जो कह रहे थे कि वहां पे हम जीतेंगे, 200 ज्यादा सीटें आएंगी, वही हराया, और गुजरात में भी हमने इनकी नाक के नीचे जो है 5 सीटें जीती, जो कि अमित शाह कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी 0 सीट जीतेगी गुजरात में, एक सीट नहीं जीतेगी, 5 सीटें जीती, तारीफ कर दिया आपकी भाई, और लगातार आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है। देखिए आम आदमी पार्टी ने हार का शब्द अपनी शब्दावली से निकाल दिया है, हम कभी हारते नहीं, हमेशा जीतते हैं, कई बार हम सीटें जीतते हैं तो विपक्ष में आते हैं, कई बार सुन लिए सीटें जीतते हैं तो सत्ता पक्ष में आते हैं, कई बार हम सीटें नहीं जीतते लेकिन अपना संगठन खड़ा कर देते हैं, लोगों को विश्वास कर देते हैं। आम आदमी पार्टी की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, और मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, और एक राष्ट्रीय लेवल पे आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में लगातार चुनाव लड़ चुकी है, लड़ती आई है, और हमारा कैडर कई राज्यों में बहुत संघर्ष कर रहा है, खड़ा हुआ है, और आने वाले 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी से
पूरी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी देश नया आवाम देगी। दो सवाल रहेंगे, कट्टर है ईमानदार पार्टी क्या होता है इसकी परिभाषा, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि हम अन्य पार्टियों की तरह डरते नहीं है बीजेपी से। देखिए कट्टर ईमानदार पार्टी की परिभाषा आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने कट्टर ईमानदार पार्टी अभी तक भारतीय परिवेश में देखी नहीं। अच्छा, और ये सवाल नया है, बहुत से लोग पूछते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी ईमानदार नहीं है क्या। अब ये कुछ पूछने वाली बात नहीं, जिस पार्टी के नेशनल हेड जो थे बंगुरु लक्ष्मण जी जो है नेशनल चैनल के ऊपर टीवी के सामने घूस लेते पकड़े गए। अच्छा, वो पार्टी कैसे ईमानदार हो सकती है। अच्छा, जिस पार्टी के लीडर येदियुरप्पा के बारे में इनके पार्टी के लीडर ने कहा था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कि वो सबसे करप्ट लीडर है। अच्छा, और उनको मोदी जी ने चुना, उनको वहां से मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा, जिस पार्टी में लगातार भ्रष्टाचारी बलात्कारी लोग शामिल होते जा रहे हैं, आपने देखा कि कुलदीप सिंगर वाला केस देखा, चिन्मयानंद वाला केस देखा, अभी आप रिपोर्ट उठा के देख लिया आप जाके 37% जो MLA हैं जो बीजेपी के अंदर, वो सारे उनके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अच्छा, जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं योगीनाथ, वो आते ही साथ ही अपने पर संगीन धाराएं हटा लेते हैं। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई हैं। अच्छा, और बहुत सारे MLA MP के ऊपर संगीन तो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको अपना आदर्श मानती है। हमारे आदर्श सरदार भगत सिंह है, हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद है, हमारे आदर्श बाबा भीमराव अंबेडकर है, हमारे आदर्श वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। थी, और हम उनको आदर्श मानते हैं, हम लोगों को अपना आदर्श नहीं मानते। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पवन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। पवन जी भाई, आपने तो बताया भी था कुछ समय पहले डिबेट पर, और परिणाम वैसे ही यहाँ पर आए हैं, कैसे देखते हैं चुनावी परिणामों को? जी जी पवन जी, पवन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गौरव जी। जी अभी आपने कुछ समय डिबेट में पहले कहा भी था और तमाम बातें आपने बताई थी, किस तरह गुजरात हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उनके परिणामों को देखते हैं। जी देखिए गौरव जी, हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं हम जी, कि उत्तर प्रदेश की अगर हम चुनाव की बात करें तो अगर हम रामपुर की बात करें जी, तो रामपुर में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जी पिछले कई वर्षों से लगे थे जी, जो वहाँ की जनता जी, हम जनता खास करके मुस्लिम अल्पसंख्यक की जो जनता थी जी, वो जो प्रताड़ित किए जा रहे थे आजम के द्वारा जी, आजम खान साहब के द्वारा। अच्छा, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे जी, और दो दो बार जी आजम के लिए जो है प्रस्ताव लेकर आए और उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कराए, कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दावेदारी थी जी, और उनका जीत होना सुनिश्चित था, ये हमने पहले भी बताया था जी बिल्कुल। रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी में हमने बताया था कि शिवपाल जी अगर साथ में आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआत के जो सुबह के जब हुए हैं तो स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं थी जी, लेकिन जब जसवंत नगर और उधर खोलना शुरू हुआ है जी, बिल्कुल ये एक तरफा जो है फिर वो लाखों में आ गए जी, जहाँ हजारों की बातें हो रही थी वहाँ लाखों में जी, आ गए। इसका एक सीधा साधा था कि हाँ शिवपाल जी के कारण मैनपुरी में भी वही होगा। कतौली में भी हमने आपको साफ साफ बताया था कि समाजवादी पार्टी वहाँ बढ़िया लड़ेगी जी, और हुआ भी वही जो है, रिजल्ट भी वही आया है आपके यहाँ जी। अब लेकिन अभी हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी को हम सुन रहे थे जी, एक शब्द जो होता है ईमानदारी वाला जो है, तो बड़ा जो है मन में लगता है, चुभता है जिसे कहा जाता है, चुभता है, अहंकार नहीं पालना चाहिए। अहंकार हो गया अभी अभी अभी, जैसे अभी आपने कहा था, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि जो है हमारे, हम किसके लेकर चलते हैं, शहीद भगत सिंह के विचारों को लेकर चलते हैं हमारे जो है, तो अन्ना हजारे भी जीते होते, अन्ना हजारे भूल गए होंगे, भूल गए होंगे, विचार को लेकर चल रहे, भूल गए होंगे, भूल गए होंगे भाई, वो अन्ना हजारे जी को भूल गए हैं। अब उम्मीद है अन्ना हजारे जी ने बीजेपी को प्रधानमंत्री का जो हुआ है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी अगर वहाँ पे विजयी होकर के आई है, हमने पहले भी आपके यहाँ डिबेट पे बताया था कि दिल्ली में जो है यही प्रवक्ता महोदय हमारे थे, हमने बताया था कि वहाँ पे MCD में जो है आम आदमी पार्टी विजयी हो रही है, उसके पीछे कई कारण है। एक जो तीन महानगर पालिकाओं को जोड़ करके एक बनाया गया, बना रहेगा जी, इसका काफी महत्व था वहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि जमीनी स्तर पे आपको काम करने की आवश्यकता है, अगर आप हवा हवाई में काम कर रहे हैं तो फायदे नहीं होने वाले, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे मेहनत करते हैं, दिखाई भी पड़ते हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। ईमानदारी वाला जो ढोंग है, ईमानदारी वाला जो ढोंग है, आम आदमी पार्टी के दो दो महारथी जेल के अंदर है,
अरे भाई कट्टर ईमानदार रखे तो रहे वो ईमानदारी का ढोंग नहीं पालना चाहिए। अभी 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 देखिए अभी शराब के जो घोटाले में बेचारे अंदर है कैसे है क्या है वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन अगर कहीं टेढ़े हैं कुछ गलतियां हैं तभी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और कोई भी सीआईडी और सीआईबी और कहीं कुछ ईडी की ऐसे ही नहीं लगाया जाता है। अच्छा, जी ठीक है पवन जी ठीक है। और भाजपा को भी इससे सीख लेने की आवश्यकता है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, अब आसान नहीं होने वाला है, उनको मेहनत करना पड़ेगा, अब आसान नहीं होगा। ठीक है हाँ बिल्कुल नहीं आसान, देखिए आसान ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये है कि रामपुर या मैनपुर की सीट उनकी तो दी नहीं। अच्छा ये तो सपा का गढ़ था ना, और सपा के गढ़ में भी अगर वोट बढ़िया लेके आए तो ये भी कहीं कोई कमजोर नहीं है। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें गौरव जी, तो गुजरात में अगर कांग्रेस वोट मिलता था, ये आम आदमी पार्टी केवल कांग्रेस का वहाँ नुकसान हुआ है, कांग्रेस का नुकसान किया है, बड़ा नुकसान इसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर वहाँ पहुँच करके गुजरात में अच्छा काम करके आती है, हमने पहले भी बताया था कि 5-7 सीटें लेके आएंगे ये ज्यादा ठीक है, वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है गौरव जी ठीक है। लेकिन अहंकार नहीं पालना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अहंकार नहीं पालना चाहिए। जवाब लूंगा अभी टकी भाई से बाद में ठीक है। सवाल भाई भाई अहंकार मत पालिए आप, अहंकार के कारण ऐसा हुआ है। देखिए अहंकार भारतीय जनता नहीं पालती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, बूथ पर काम करती है। अच्छा। अहंकार कांग्रेस में था इसीलिए इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को अंदर करके अपना अहंकार दिखाया था उन्होंने। अच्छा। इसलिए आज जनता ने उनको नकार के फेंक दिया। अच्छा। और उनके राजकुमार को आप देख रहे हैं कि पदयात्रा करनी पड़ती है, भारत छोड़ो यात्रा। अरे कर तो रहे, क्या दिक्कत है भैया, पदयात्रा क्या दिक्कत है आपको, अगर कोई काम रामपुर का चुनाव आप देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आजम खान बाबर का वर्चस्व खत्म हो गया, एक जो गुंडागर्दी जो उनकी चलती थी रामपुर के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने खत्म कर दिया। अच्छा। और बाकी आप बाकी जो चुनाव है वो आपके सामने है, चुनाव है, हम लड़े मैनपुरी में लड़े, आधे से ज्यादा वोट उनसे ज्यादा हम वोट पाए हैं और वहां पर भी गुंडई इनकी थी। लेकिन जो ये आरोप चुनाव से पहले वोटिंग से पहले जो आरोप लग रहे थे वो आरोप इस चुनाव ने बिल्कुल निराधार बता दिए, इस चुनाव ने खत्म हो गए क्योंकि इनका काम है आरोप लगाना। विवेक पांडे बोल जनता भाई, विवेक पांडे बोल रहे थे कि आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ, चुनाव से वोटिंग से पहले जो ये लोग बता रहे थे कि निर्वाचन आयोग जो है वो बीजेपी के मंत्रालय की तरह काम कर रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। कि चुनाव आयोग ने अगर मंत्रालय की तरह काम कर रहा होता तो ये 2 सीटें नहीं जीत पाते। अच्छा। चुनाव आयोग मंत्रालय की तरह का नहीं, चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम कर रहा था, उस पर काम कर रहा था, और पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा था। अगर वो गुंडई पुलिस प्रशासन कर रहा होता तो मैनपुरी में चुनाव नहीं जीते, क्योंकि वहां पर देखा समाजवादी पार्टी की मुझे लगता है पहले भाजपा अपने चरित्र को और अपने जो हल्के शब्द है उनको संभाले। आजकल इनके प्रवक्ताओं के जो शब्द है वो बेंदाज हो रहे हैं। जो शाब्दिक मर्यादा पे एक डिबेट हमने की थी, ये शाब्दिक मर्यादा को पुनः लांघने का प्रयास करते हुए केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे, अब अंगूर ना मिले तो खट्टे हो गए। अच्छा। सबसे बड़ी बात, अच्छा दूसरी बात क्या कहूंगा, कोई मायने नहीं रखता है आपकी सीट, आपके हाथ से छीन के लिया है, चुनाव में कोई मायने नहीं रखता, आजम खान बाबर के हलक से छीन छीन के लिया है, भाजपा का कुछ कहेंगे आप, इनके फायर कुछ ब्रांड से लेकर के स्कूल मंत्री तक, प्रचार मंत्री से लेकर के मीडिया मंत्री का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कीचड़ में इतना धस चुकी है भाजपा कि कमल तो छोड़ दीजिए, कमल का नाम तक सुनने से लोग कतराने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हिमाचल प्रदेश इसका उदाहरण है गौरव भाई, हिमाचल प्रदेश इसका उदाहरण है, इनके घर में समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इनको गुजरात तक सीमित कर देगी। अच्छा। और मैं आपको चुनौती देकर कह रहा हूँ, ये जो मुस्कुराहट है इसको संभाल फूल फूटने वाला होता है तो उसके पहले एक बार और जोर से खिलता है, बस ये वही फूल है। ये जो मुस्कुराहट थी इनकी, इसको आप भी याद रखिएगा, हम भी याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपराधियों को संरक्षित देने वाला दल बनते जा रहा है। अच्छा। अपराधियों को नेतृत्व देने वाला दल बनते जा रहा है, इन्होंने कुछ
थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा था आजम खान जी के लिए, भाई अब हम तड़ी पार जैसे नेतृत्व को अगर स्वीकार करने के लिए बात समाप्ति अपराधी आज जिनकी वाहवाही लगता इससे कमजोर सबसे बड़ी आजम खान जी पे धन्यवाद आपका की आपकी इस सवाल भाई सुन लीजिए, चाचा का आश्वर मिल गया, बेबी भाई बोल रहे हैं मात को नहीं तो चाचा को निकालने वाले को चाचा ने इस्तेमाल किया उन्होंने, चाचा ने अपना फर्ज निभाया, चाचा ने अपना फर्ज निभाया, दीपू सुल्तान क्या करता है ये देखना, बोलते नहीं बच रही है देखिए मुंह चाचा ने कर रही है, चाचा से जान क्या करेगा ये देखना, क्यों आज चाचा इनके मंसूबों में पानी फेरने का काम कर रहे हैं, आज चाचा सबसे बड़ी ढाल बन के समाजवादी पार्टी के आगे खड़े हो गए हैं, अखिलेश यादव की शक्ति जो है वो चारों दिशाओं से होने लगी है और योगी जी की कीर्ति का क्षय जो हो रहा है उसके लिए एक से एक घटनाएं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार है, उसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है भाजपा को यह तय करना होगा कि भाजपा जो कांग्रेस को समाप्त करने का या विपक्ष को समाप्त करने का सपना लेकर के चली थी आज खुद सिमट रही है। अच्छा। और यकीन मानिए गौरव भाई हम गुजरात तक ही सिमट जाएगा, भाजपा में कोई दिखाई देता है ना सुनाई देता है, और मीडिया में तो ये खबरें चल रही थी, सुन लीजिए मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप आपत्ति दर्ज करा देंगे, मीडिया ने बहुत बड़े तो ये खबर चला रहे थे बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल पे, मैं के बाद क्या अखिलेश यादव जी जिम्मेदारी प्रसारित की गई, ऐसे ठकोसने परोसने वाले लोग बैठ जाते हैं मीडिया में और उसके बाद इस तरीके की गलत खबरें चलाते हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपांड हो चुका है, लोग समझ चुके हैं इस रणनीति को भी, भाजपा ने जो अपना आईटी सेल तैयार किया था उस आईटी सेल की धज्जियां हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश से जो नई पेंशन स्कीम के अगेंस्ट ओल्ड पेंशन स्कीम की आवाज बुलंद हुई है, यही योगी जी थे ना, यही योगी जी थे जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते थे सरकार से विपक्ष में रह के, आज क्या हुआ बोलती बंद है, आज बोलती बंद है, आप खुद तो ओल्ड पेंशन की मनाई काट रहे हैं सारे नेता बैठ करके भाजपा के और नई पेंशन के महत्व समझा रहे हैं, अरे जो आपने जनता का पैसा मारा, जो आपने भगोड़ों को संरक्षित किया, हजारों करोड़ के चंदे लिए, जब आपके पैसा मिलता रुपया नहीं था, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिलता है, एडीआर की रिपोर्ट है, क्या बात करेंगे ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो देश को देश की अस्मिता को बेच देंगे, लेकिन जिन्होंने 40 साल तिरंगा नहीं स्वीकार किया इस देश का, जिन्होंने इस देश के आदर्श को स्वीकार नहीं किया वो बात करते हैं राष्ट्रवाद। अच्छा। अरे भैया राष्ट्रवाद छोड़ दो, पहले परिवार तो बचा लो अपना। अच्छा। अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो, अपने देश के नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, अपने देश के नागरिकों में ही धर्म ढूंढते हो, ठीक है, तो भाई, ठीक है। हो गया हो गया हो गया, ठीक है प्रदीप भाई, यहाँ पर विवेक भाई बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है, सपा भाई बता रहे हैं कि कांग्रेस 2 सीटों पर आई थी, हिमाचल में जो हुआ है वो बदलाव है और वहां पर सरकार बदलती रहती है हर बार, पर किस तरह से क्या दिक्कतें हैं, क्या परिवर्तन नहीं होगा, वो कह रहे हैं राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, मजबूर कर दिया है जी, अगर यात्रा से दिक्कत नहीं है तो क्यों सारे भाजपा के प्रवक्ता सुबह सुबह खड़े होकर ट्वीट करने लगते हैं यात्रा पे, शब्द की बात कर रहे हैं, अभी देखिए इन्होंने एक राजनीतिक दल के नेता के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जी, ये अहंकार नहीं है क्या जी, आप इस तरह की भाषा, ये सजा याफ्ता मुल्जिम को अहंकार कहेंगे, सजा याफ्ता मुल्जिम आजम खान, अरे करके बैठा करो लो जानकारी समाज उसे जानकारी करके बैठा करो, टीपू सुल्तान क्या करेगा ये भाषा बोलोगे तुम, टीपू सुल्तान क्या करेगा तुम ये भाषा बोलोगे, और ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, इनके छोटे से छोटे प्रवक्ता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हमेशा बड़े नेताओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग लगातार इनके बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता तक करते हैं, अखिलेश यादव
टीपू सुल्तान क्या करेगा, ये भाषा बोलेगा समाज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, आप इस तरह की भाषा बोले, इसी तरह के राष्ट्रीय नेता में बोलते हैं। आपने सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, आपने राहुल गांधी जी के लिए तमाम अवसर समय जनसंपर्क का प्रयोग किया, और आज आप भारत छोड़ो यात्रा पे अगर देश के आदरणीय राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, इसलिए निकल रहे हैं कि किसान जब अपने हक के ऊपर भाई समान भाई किसान जब अलावा लेने के लिए जवाब दीजिए आज कोर्ट का निर्धारण कर दिया है, चिन्मयानंद आज भी फरार है और योगी के बैठा हुआ है, समर्थन करती हुई नजर आ रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, देश ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश प्रदेश करते हुए खारिज करना शुरू कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में समेट कर दिया है, और जो मोदी मैजिक है वो केवल गुजरात में चलने के लिए थोड़ा बहुत चल रहा, वहां पर भी रेंज को कार्ड खेलना पड़ा कि मैं गुजरात का बेटा हूँ, मैं गुजरात का बेटा इस भाषा के साथ में गुजरात में गुजरात करते पूरे देश ने आपको खारिज किया है। 2024 आने दीजिए, परिणाम देश के सामने होगा, मोदी मैजिक खारिज होगा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण देश की जनता राहुल गांधी के नेतृत्व में दो सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली, जनता ने निकाल दिया, क्या करेगा इस तरह की भाषा बोलना बंद कर दो, समझे गौरव भाई बयान की पार्टी के प्रवक्ता का भोंपू बंद करवाई है। भाजपा का बयान पार्टी अपने ही बयानों से असहज हुए हैं, अपने ही मुद्दों के चलते और सरकार को संरक्षित कर रही है। तुम्हारी सरकार समाज हुसैन योगी के पल्लू के पीछे खड़ा है, चिन्मयानंद भगोड़ा अपराधी है, भगोड़ा अपराधी है चिन्मयानंद, तुम्हारे योगी जी के पल्लू के पीछे खड़ा हुआ है, ऐसे अपराधियों के भारतीय जनता पार्टी सरकार बचा रही है। आदम खान बाबर भी चिन्मयानंद एक भगोड़ा अपराधी है, चिन्मयानंद एक भगोड़ा अपराधी है, आज योगी के पीछे खड़ा है, खड़ा है। बारी बारी बोलिए आदम खान बाबर, फांसी बात नहीं चलेगा, फांसी बात नहीं चलेगी, मैं मुसलमान हूं, बताइए मुझे अपनी विपक्ष को खत्म करने की मानसिकता क्या है, या मानसिकता नहीं है विपक्ष को खत्म करने वाले की? चल ठीक है, तकीब देखिए मैं कहता हूँ, आप मुझे अशोक के नाम से पुकारिए, महाराणा प्रताप के नाम से पुकारिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से पुकारिए, बाबर के नाम से पुकारिए, टीपू सुल्तान के नाम से पुकारिए, आप मुझे अकबर के नाम से पुकारिए, सब इतिहास में सम्मानित व्यक्ति रहे, इन्होंने अपने काल में सम्मान की बात की, इन्होंने अपने काल के अंदर लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ी है। प्रॉब्लम ये है भारतीय जनता पार्टी की, प्रॉब्लम समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को चश्मे से देखती, हिंदू मुसलमान के जातिवाद से उससे, और लोगों में टकराव पैदा कर देती है। महाराणा प्रताप एक अपनी जगह पे उनका अपना सम्मान है, उन्होंने बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अच्छे योद्धा थे। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं तकी भाई बोल रहा है, बोलिए जी।
शिवाजी महाराज भी, शिवाजी मां छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने बहुत अपने जिंदगी में संघर्ष किया, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, तो किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बेकार की बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना इतिहास सही से पढ़ा है, अच्छा। इनके प्रवक्ताओं ने जो है खगोल सही से पढ़ा है, ना ज्योग्राफी सही से पढ़ा है, और मेरा बस चले तो मैं भगोड़े अपराधी के बारे में बताओ यार, मैं मेरा बच चले तो मैं इनको एक हिस्ट्री के बारे में बताओ, गौरव भाई मैं आप अपराधी, कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट कर रखा है, कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट कर रखा है। गौरव भाई अगली बार मैं आपकी डिबेट में आऊंगा, एक इतिहास की और भूगोल की किताब लेके आऊंगा हाई स्कूल तक की, और एक शिफात साहब को दूंगा कि हाई स्कूल की ज्योग्राफी और हाई स्कूल तक की हिस्ट्री सही से पढ़ ले। इनके अंदर हाई स्कूल तक की ज्योग्राफी हिस्ट्री का सही से ज्ञान नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ लोगों में उन्माद पैदा कराना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, इनको वोट के अलावा और सीटों के अलावा कुछ दिखाई देता, अच्छा। ये इतने राजनीति के अंधे लोग हैं, अच्छा। अरे आप राजनीति के लिए समाज का साचा क्यों बिगाड़ रहे हैं, आप राजनीति के लोगों के बीच प्रेम क्यों बिगाड़ रहे हैं, आप राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी शिया सुन्नी करते हैं, कभी आप पसमांदा समाज की बात करते हैं, आप लोगों की पार्टी बात करते हैं, अरे सब महापुरुष सबका सम्मान करिए, अगर कोई मुझे बाबर कहता है तो मेरे लिए सम्मान की बात है, बाबर ऐसा राजा ने बाबर नामा लिखा, पहला राजा जिसने बाबर नामा लिखा, बाबर ने क्या भारत के बारे में लिखा था पढ़िए, आपको बाबर में सम्मान आएगा, अकबर में सम्मान आएगा, महाराणा प्रताप में सम्मान आएगा, शिवाजी में सम्मान, सबका सम्मान है। लेकिन जाहिल लोग जो राजनीति का फायदा उठाने के लिए कुर्सी पर आ जाते हैं, चैनल को टीआरपी उठाने के लिए आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, ऐसे भौंकने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो लोग बोल नहीं पाते वो भौंकने लगते हैं, और जो भौंकने वाले लोगों को इतिहास समझ में नहीं आएगा, ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी, पिछले साल में क्या समझ नहीं आएगा, उनको सिर्फ भौंकना आता है, चिल्लाना आता है, उनको लगता है ऐसे भौंक के चिल्ला के सही लोगों के शिक्षित लोगों के पढ़े लिखे लोगों की आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन शिक्षित लोगों ने भी चिल्लाना सीख लिया है, वो बोलने लगे, लेकिन वो भौंकेंगे नहीं, जब भी बोलेंगे तब भी बात बोलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, आप जब भी वो खोलेंगे आपके मुंह से बदबू आएगी, लड़ाई की बदबू आएगी, इज्जत बदबू आएगी, आप लोगों को लड़ाई की बदबू बोलेंगे, हमारे मुंह से खुशबू आएगी, हम देश प्रेम की बात करेंगे, देश को जोड़ने की बात करेंगे, समाज को जोड़ने की बात करेंगे, सबको साथ मिलेंगे चलने की बात करेंगे, हम लोगों को सम्मान करेंगे, महिलाओं को सम्मान करेंगे, बलात्कारियों को जगह नहीं देंगे, बीजेपी की तरह ने बलात्कारियों को जगह दी है, बलात्कारियों को मंत्री बना दिया, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर कोई भ्रष्टाचारी जाए सबको निकल आता है, आप देख लीजिए जितने भी इनके मंत्री हैं, इनके जो पदाधिकारी उनको सब संरक्षण दे रहे हैं, आज की डेट में जो आदमी भ्रष्टाचार करता है वो कहता है सबसे सेफ जगह जो हमारे लिए भाजपा है, क्योंकि भाजपा हमको सेफ कर लेगी, जैसे उन्होंने धरना दिए, इनके पार्टी में इतने लोगों को संरक्षण दिया गया, सब ज्यादातर लोगों के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, अच्छा ठीक है, सीबीआई और ईडी जी, और इंटेलिजेंस हमें दे दिए आप, इनके 60% से लोग जेल के अंदर होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, जो संगीन धाराओं में अंदर होंगे, इनके पास प्रूफ है और साबित कर करेंगे इनको, ताकि भाई फाइनल कमेंट भी लेना है, पवन जी आपको मेरी आवाज आ रही है, जी पवन जी, यहाँ पर यहाँ पर एक रस्सा कस्सी का दौर जारी रहा, और जिस तरह की शब्दावली फिलहाल भारतीय लोकतंत्र में हो रही है, डिबेट में भी होती, तमाम तरह की बातें यहाँ पर होती हैं, कैसे देखते हैं, क्या यही हमारे देश की संस्कृति है, क्या यही हमारी लोकतंत्र की सुचिता है जहाँ पर इस तरह की बयानबाजी होती है, जी अभी सुन रहे भैया जी, दुर्भाग्य है ये जी कि ऐसे ऐसे महारथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी पार्टियों में जी, और एक अहंकार की बात है जी, मैनपुरी की बात करें जी, तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल जी ने जीत लिया जी, लेकिन जो सीट लाखों से जीती जाती थी जी, लोगों का जमानत जब्त हो जाता था, वहाँ हजारों से जीत के आएंगे डिंपल जी, जीत जीत होती है, लेकिन इसमें भी सोचना होगा कि वहाँ तो ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना कांग्रेस थी, ना बसपा थी, वो सीट थी समाजवादी पार्टी की, ठीक है, तो अगर वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया सा कवरेज किया लड़ाई में आकर के, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है, मानना चाहिए जी। इसके बाद में अगर हम रामपुर की बात करें तो सामने है जी। रामपुर में भी जी। और खतौली की बात करें तो वहाँ भी जी। तो चुनाव जीत तो गए हैं समाजवादी पार्टी दो सीटों पे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से पीछे तक लड़ाई हुई है जी। और तो इसमें यह है कि समाजवादी पार्टी को भी सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए जी। और सभी परिवार एक होकर के चुनाव लड़े हैं, ठीक है, और सभी परिवार एक होकर के चुनाव लड़े हैं तो वो उसका असर पड़ जाता है जी। एक चीज जी। दूसरी चीज, अगर हम अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय है, हमने पहले भी इनको समझाया था जी। और
समझाने वाले तुम कोई नहीं है, लेकिन ये है एक थोड़ा सलाह दिया जाता है क्योंकि हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सामंजस्य बना रहे लोग, तो थोड़ा सा इस पे इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को ध्यान देने की आवश्यकता है कि कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कोई भी हो, चाहे पूर्व के सीएम है वो अखिलेश यादव जी ही माननीय है, अगर उनको टीपू सुल्तान कहा जाता है तो ये उचित नहीं है। या बाबर, अब बाबर तो आजम खान की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजम खान को अगर संपूर्ण प्रदेशवासियों ने, वहां की जनता ने दिल से खारिज कर दिया, हृदय से खारिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो वहां फैलाया गया बवाल था, जमीन कब्जे थे, इस सब पे मोहर लग गया कि हाँ वो करते थे, जो FIR हुआ था दर्ज किए गए हैं वो सब कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ये सब किया, दबाव दिया होगा। देखिए जो एक 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 जात बिरादरी में जब कोई बड़ा हो जाता है, मोदी जी मेरी बातों को समझिएगा, जब कोई एक बिरादरी में बड़ा हो जाता है तो वहाँ के गरीब लोग जो होते हैं उनसे काफी अपेक्षाएं करते हैं, और जब वही उसी समाज को लेकर के गुमराह कर देता है, जमीन की हड़पना कर देता है, तो अपनी यूनिवर्सिटी उसी कैंपस में बनवाए, ये सारे आरोप सहित हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं आरोप सकते हैं, और ये सब की पुष्टि आज वहाँ की जनता ने कर दिया, ये भी सोचना होगा। अब जो तीन के तीनों चुनाव हुए हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें ना तो कोई भाजपा की सीट थी और ना ही किसी अन्य पार्टियों की थी, सब समाजवादी पार्टी की थी और सुरक्षित सीट थी, तीनों के तीनों सीटें वो सुरक्षित थी, कहीं किसी का कोई वो दाव नहीं गलने वाला था कि हाँ कोई एक सीट लेके आएगा, लेकिन अगर उन बीचों में से रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल के लाती है तो बड़ी चीज है। जैसे गुजरात में अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो कुछ नहीं थी वहाँ पे, लेकिन अगर वहाँ से वो सीट निकाल के लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उन्होंने मेहनत किया, मेहनत किया, भले कांग्रेस का नुकसान हुआ, भाजपा का नुकसान हुआ, ये कोई नहीं देखता है कि हम वोट दे रहे हैं तो किसका नुकसान होगा, वो देखा जाता है कि हम किसको वोट देना चाह रहे हैं, मेरे लिए योग्य कौन है। ठीक तो अमर्यादित भाषाओं पे थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ डिबेट गौरव जी आप कराते हैं और उससे कहीं प्रश्न न लग जाए, ऐसे लोग पे कठोर निर्णय लेना चाहिए आपके संस्थान के द्वारा, निश्चित है क्योंकि अगर आप शब्दों की भरमार होगी तो कहीं ना कहीं वो जो उसको प्रायोजित करते हैं, डिबेट को संचालन करते हैं, उनके ऊपर ही आरोप लगता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस पे आप सभी प्रवक्ता महोदय ध्यान भी देंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए, पर्सनल कमेंट नहीं हो कोई ऐसा हमारे शब्द नहीं। ठीक है बेबी भाई, जल्दी अपनी बात पूरी करिए, चर्चा खत्म करता हूँ जी। देखिए मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सिविता कहूंगा जी कि हमने जहाँ पे विजय पाई है उस विजय को भी स्वीकार किया है, जहाँ हमने हार देखी वहां उस हार को भी स्वीकार किया, लेकिन जनता के मुद्दों से हट करके समाजवादी पार्टी न कभी आगे चलेगी है न चलेगी। हम आज भी विपक्ष में है और विपक्ष के साथ मजबूत विपक्ष की ढाल बन करके जो भाजपा को रोकने का काम करेंगे आगामी समय में। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुद्दों से भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता भागने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कभी एक डिबेट ऐसी भी होनी चाहिए जिसपे कोई मुद्दों पे बहस हो, तार्किक बहस हो, किसी को अपशब्द कह देने मात्र से आपका कद ऊंचा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी मानसिकता जरूर सामने आ जाती है। और रही बात जन प्रतिनिधियों की बात की जाए तो जब न्यायालय ने किसी को बेल दे दी, किसी को ग्रांट कर दी है बेल, न्यायालय ने छोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि उसपे आप और मैं कमेंट करके अपने स्तर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन मामला था, आपने 84 मुकदमे किए और तब में उनको अगर बेल मिलती है तो ये हमारी विजय की जीत है, ये संकल्प की जीत है, ये सत्यमेव जयते की जीत है। इससे आपका चरित्र पता चलता है, हमारे समाजवादी पार्टी पे उंगली उठाने से, गुंडा कह देने से हम गुंडे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम गुंडे थे, हम जनता की आवाज उठाते हैं, किसानों के मुद्दों पे लड़ेंगे, हम बेरोजगारों के हक की आवाज उठाएंगे, हम गुंडे थे, अगर इसके लिए गुंडे आप क्योंकि विपक्ष का सबसे मुख्य कार्य होता है जनता की आवाज, जनता के मुद्दों को सदन तक ले जाकर के उन्हें क्रियान्वित कराना, और वो हम करते रहेंगे, समाजवादी पार्टी आजीवन ये करती रहेगी, ये हमारा संकल्प। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो मैंने कट्टर ईमानदार बात कही थी, और आम आदमी पार्टी की छवि कट्टर ईमानदारी की और मजबूत हुई है, जो कुछ भी प्रकट हुए पिछले 6-7 महीने में आम आदमी पार्टी के लिए, तो हमने अपने आप को और कट्टर ईमानदारी पार्टी और प्रूफ किया है, हमारी इमेज और अच्छी हुई है, और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पूरे देश ने देखी कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी साबित नहीं हो पाया, तो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी थी, है, हमेशा रहेगी, और देश के गौरव के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश भारतीयों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। जय हिंद। आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो परिणाम आए वो सबको खुशी देखे गए, यहाँ दुख किसी को नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सबके खाते में जीत आई है, भले ही राज्य की जीत हो, MCD की जीत हो, या उपचुनावों की जीत हो, सबको यहाँ पर खुशी मिली है, और थोड़ा बहुत तो गम राजनीति में चलना ही चाहिए, पर जिस तरह से यहाँ पर संघर्ष हो रहा है चुनावों में, गुजरात, हिमाचल,
और अब शायद बारी है यूपी निकाय चुनाव की, कब होंगे वो भी बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। पर निश्चित रूप से इन चुनावों के बीच हमारे से एक चुनावी तरह का माहौल चलता रहता है, चुनावी एजेंडे चलते रहते हैं, चुनावी माहौल चलता रहता है और चुनावी सरगर्मियाँ चलती रहती हैं। पर इन सरगर्मियों के बीच जनता के मुद्दों की बात कब होगी ये भी एक यक्ष प्रश्न बन चुका है। शायद हमारे राजनीतिक दल जब चुनावों से फ्री हो जाएंगे, खत्म हो चुके होंगे चुनाव, तो शायद जनता की बात होने लगेगी। अगर जनता की बात ही नहीं होगी, जनता के मुद्दे ही नहीं होंगे, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा अब चुनाव से हटकर बात करिए जनता के मुद्दे की, और थोड़ा आप ध्यान जनता पर दीजिए, धरातल संघर्ष करिए, परिणाम बदलते रहिए। और जो धरातल संघर्ष करता है परिणाम वहीं बदलता है। बातें चाहे कुछ भी हो, आरोप प्रत्यारोप चाहे कुछ भी हो, तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।